वेलकम टू पाइनियर क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं अनुवांशिकी एवं जैव विकास, आपका नौवां अध्याय है या कह सकते हैं ये आपका चौथा पार्ट है बायोलॉजी का। अनुवांशिकता किसे को कहते हैं, तो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। वहीं अनुवांशिकता के विभिन्नता का अध्ययन करें तो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिक के पिता, ये खूब पूछा जाता है, ग्रेनर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रयोग द्वारा अध्ययन किया गया पौधा था मटर, मटर में इन्होंने प्रयोग किया था और मटर को प्यूसियम एस्टिवियम भी कहा जाता है। ठीक है, मटर के पौधे का गुण होता है स्पष्ट तथा विपरीत लक्षण लिए, जैसे गोल और झुरीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी पूछ, ऐसे ये सात ऐसे लक्षण वाले को लिए थे। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब दो लंबे पौधे, मतलब लंबा का युग्मक टीटी कैपिटल टीटी और बौना का स्मॉल टीटी युग्मक को, तो इस युग्मक से लेने पे जो टीटी बना एक पीढ़ी, पहले पीढ़ी का जो पौधा बना वो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, जबकि ये लंबा बना, मतलब टोटल का टोटल पौधा क्या बना, लंबा बना। वहीं अगर दूसरे पीढ़ी की बात करें तो इसका लक्षण प्रारूप क्या दिखा, 3:1 दिखा। ठीक है, लक्षण प्रारूप जो था वो 3:1 दिखा। अब देखते हैं निष्कर्ष इससे ये निकला F1 पीढ़ी में, मतलब पहली बार संकरण करवाने पे, कि परागण के बाद प्रथम संतति या F1 में सारे पौधे लंबे पाए गए, लंबापन बौनापन पर प्रभावी रहा। वहीं F1 के पौधे को आपस में प्रजनन कराया गया तब द्वितीय संतति में F2 लंबे बौने पौधे प्राप्त हुए और जिनका अनुपात कितना था, 3:1 था। यहाँ पे आपको दिख रहा है लक्षण प्रारूप F2 पीढ़ी में क्या दिखा है ना। तो ये जो है आपका इसमें इस वक्त तक आपका प्रथम पीढ़ी चला, परंतु दूसरे ये जो है आपका ये दूसरा पीढ़ी है। ठीक है, मतलब दूसरा संकरण किया गया है। जीन, अब जीन किसको कहते हैं, सबसे पहले तो मेंडल का प्रयोग आपसे पूछा जाता है बार बार, तो उस प्रयोग को आप पढ़ लें। ठीक है, जीन, तो जीन क्या होता है, तो ये DNA का वह भाग है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। वहीं लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के DNA में दोनों जनक समान रूप से योगदान देते हैं। वहीं लिंग निर्धारण की बात करें तो लिंग निर्धारण करने के लिए अलग अलग स्पीसीज अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। जैसे कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे या युग्मक के उष्मा तापमान पर निर्भर करता है, और कुछ स्पीसीज जैसे घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस चीज़ को समझें, तो अनुवांशिकी के आधार पर, क्या अनुवांशिकी के आधार पर हम देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है और 23 जोड़ा क्रोमोसोम में एक जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, और नर में ये XY और मादा में ये XX क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जिसको कहते हैं। तो यानी पिता से आया XY और माता से आया XX, तो जब ये इसको हम युग्मक का निर्माण करते हैं तो जो XY अलग अलग होगा, अगर पिता से X आया और माता से तो X ही आएगा, तो ये XX युग्मक बनेगा, मतलब मादा संतति होगी। अगर पिता से Y आया तो XY बनेगा और ये नर संतति होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं निष्कर्ष क्या निकला, कि बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। वहीं जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत वह लड़की होगी, और जिस पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ उस वो लड़का होगा। अब हम लोग कुछ और भी यहाँ पे जैव विकास का सिद्धांत जो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इनका एक किताब है जो पूछा जाता है आपसे बार बार, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके राइटर हैं, और इन्होंने क्या किया, इसके सिद्धांत में प्राकृतिक वरण का जैव विकास का सिद्धांत दिए। वहीं एक थे JBS हॉल्डेन, जिन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय सरल का अकार्बनिक अणुओं से जीवों की उत्पत्ति हुई है। वहीं स्टेनल एल मिलर और हेरोल्ड सी उरे जो थे, उन्होंने क्या किया, प्रयोग और निष्कर्ष क्या निकाला, कि कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण
कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण जो प्राचीन वातावरण के समान था ऐसा किए, और उनका साधन क्या था, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अणु, और इससे उन्होंने अंग बनाने की कोशिश की। निष्कर्ष, सर्वप्रथम 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हुए और एमिनो अम्ल में संश्लेषित हो गए। अब समझात अंग, ये भी आपसे पूछा जाता है बार बार। संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान परंतु अंगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्य, मतलब संरचना सेम हो परंतु कार्य अलग हो, जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य के जो अग्रपाद होते हैं वो सारे के सारे समजात अंग होमोलोजियस ऑर्गन्स कहलाते हैं। समजात अंगों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है और असमजात अंग संरचना एवं उत्पत्ति के उद्भव दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न परंतु अंगों का एक ही प्रकार का कार्य। वहाँ पे क्या था, संरचना अलग था, कार्य एक था। जैसे तितली तथा पंछी के पंख, चमगादड़ एवं पंछी के पंख निर्माण अलग अलग तरीके से हुए हैं परंतु इनके कार्य सबका क्या है, उड़ना। जीवाश्म, जीवाश्म किसको कहते हैं, तो जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जो मिलते हैं वो भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं, जैसे पत्थरों पर पाया गया चिन्ह, ये सभी जीवाश्म है। फॉसिल डेंटिंग, ये क्या है, तो जीवाश्म का समय निर्धारण, आयु निर्धारण जिस पत्ती से होता है उसे फॉसिल डेंटिंग पत्ती कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान जिसको प्लांटो नॉलेज कहते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान प्लांटेटोलॉजी कहते हैं। आगे अगला आपका है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसी में हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। प्रकृति द्वारा दी गई उपयोगी चीज़ें का हमें प्रबंधन करना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे के भविष्य के लिए बना रहे। प्रबंधन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी बुद्धि के साथ प्रयोग करना। रिड्यूस, मतलब सबसे पहले तो आप संसाधनों का कम प्रयोग करें। रिसाइकिल, संसाधनों को पुनः चक्रित करें। रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करें। रिड्यूस का मतलब जैसे बिजली की बचत करें, कम प्रयोग करें, पानी की बचत करें, भोजन की बर्बादी रोकें। वहीं रिसाइकिल का मतलब जैसे उसको पुनः पुनः उपयोग करें, जैसे प्लास्टिक और कागज़ को आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। वहीं किसी वस्तु को बार बार उपयोग करने का मतलब होता है पुनः उपयोग, और रिसाइकिल जैसे प्लास्टिक का आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कागज़ का रिसाइकिल कर सकते हैं, कांच का, धातु के डिब्बे और कागज़ इत्यादि को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित है, ऊर्जा की बचत होगी, दीर्घकालिक दृष्टिकोण होगी और पर्यावरण की क्या होगी, सुरक्षा होगी। अब है वन और वन्य जीव, तो वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। कभी कभी पूछा जाता है जैव विविधता का मुख्य स्थल कौन है, हॉटस्पॉट कौन है, तो जंगल है। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। चिपको आंदोलन किया गया था इन्हीं के बचाव के लिए, कब, 1970 में गढ़वाल के रेनी गांव में वनों के बचाव हेतु चिपको आंदोलन किया गया था। अब जल संग्रह की बात कर लेते हैं। जल संग्रह की अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधियां हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों में जल संग्रह होता है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए। वहीं झीलों का निर्माण भी कर सकते हैं, छतों पर जल संग्रह कर सकते हैं, वहीं साधारण जल सांभर भी बना सकते हैं, वहीं पारस्परिक विधियाँ जैसे आहार और पैन में भी जल को संग्रहण कर सकते हैं। परिणाम, भू जल स्तर बढ़ेगा जिससे नदियों को पुनः जीवित होगा। अब कोयला और पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम ये सारे हमारे पास सीमित हैं और ये जीवाश्म ईंधन है और इनकी मात्रा सीमित है और ये दहन में से वायु प्रदूषण करते हैं, इसलिए इसका हमें सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये बायोलॉजी का लास्ट पार्ट था रिविजन्स में। आप हमारे NCERT रिव्यू बुक देखें और लाइव क्लास देखें, आपको पूरी तरह से बायोलॉजी कंठस्थ हो जाएगा जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका लास्ट टाइम, इस वीडियोज को आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखें ताकि आपका रिवीजन बना रहे। मात्र 5 मिनट में आपका एक चैप्टर समाप्त किया जाता है। आगे इसका नोट्स अगर आप चाहते हैं तो PDF नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिलेंगे जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हैं।